सऊदी हुकूमत का पाकिस्तान की एक बार फिर इमदाद का ऐलान। $3 अरब स्टेट बैंक में जमा करा दिए। सऊदी अरब पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर मालियत का तेल भी उधार देगा। वजीर आजम ने आर्मी चीफ से मुशावरत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अज्जुम को DGISI तैनात करने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने DGISI के लिए नामजद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। नए DGISI 20 नवंबर को चार्ज संभालेंगे। लकी मरवत में मियावाली रोड पर नामालूम अफराद की पुलिस वैन पर फायरिंग। ASI समेत 4 पुलिस अहलकार शहीद। शोहदा में याकूब खान, सिपाही इनाम, मुस्तकीम और ड्राइवर शामिल। पुलिस ने मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। नस्ता टावर को खाली कराने का आज आखिरी दिन। अदालती फैसले पर अमल दरामद जारी। टावर की बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। इमारत को जदीद टेक्नोलॉजी से गिराने की महारत रखने वाली कंपनीज की खिदमात हासिल करने का फैसला। सर्विस रोड पर गैर कानूनी टावर तामीर करने वाला बिल्डर मंजर से गायब हो गया। अदालत ने बिल्डर को 3 माह में अलॉटीज को रकम वापस करने का हुक्म दिया था। और मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार कम होने लगे। एक दिन में मजीद 13 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 28,405 हो गई। 516 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.34% रही।